भाजपा द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों के खरीदारी के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता, इनसे जानते हैं भाई साहब क्या कुछ मांग है और किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये जो कोविड की तीसरी लहर आने का जो वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई कि तीसरी लहर आ सकती है, जो कि बच्चों को काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है वो काफ़ी खतरनाक है, उसके लिए योगी सरकार ने एक बजट पास किया है। उस बजट में कुछ वेंटिलेटर, RT-PCR के कुछ किट, ये तमाम इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट वो खरीद रहे हैं। और एक बॉम्बे की, महाराष्ट्र की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जिसका कोई पता है ना कुछ है, उसको ऑर्डर देके ये खरीद रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं सब डबल डबल दामों पे खरीदी जा रही है। इनकी दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में जो चीज़ 14 लाख में खरीदती है, वही चीज़ें लोग 25-25 लाख में खरीद रहे हैं यूपी में। इन्हीं की सरकार ने उन चीज़ों को वहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने जो इक्विपमेंट 14 में खरीदा है, इन्होंने 25 में खरीदा। इसी तरह से तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं जो जिसको उन्होंने ऑर्डर दिया है। 5,000 करोड़ का पूरा बजट है, पास किया है। बच्चों के जो आगे ऐसा उम्मीद है कि तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों के काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगी, बड़ा खतरा होगा। तो ये योगी सरकार जो ईमानदारी का बड़ा वो करती थी कि हम तो योगी हैं, हम कहाँ भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पहला जो कोरोना का वेव आया था उसमें इन्होंने ऑक्सीमीटर का घोटाला किया, उसमें इन्होंने थर्मोमीटर का घोटाला किया, उसमें इन्होंने हेमाटोलॉजी एनर्जाइजर का घोटाला किया, उसका भी घोटाला हम लोगों ने खोला था। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रहेगी और कहां तक ये ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा प्रदर्शन हो रहा है जिला मुख्यालय पे। हमारी मांग ये है कि ये बच्चों से जुड़ा मामला है, इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये घोटाले में शामिल है, पूरा उनके संरक्षण में ये घोटाला हो रहा है, पूरी सरकार के संरक्षण में घोटाला हो रहा है। और योगी सरकार खाली SIT बना देती है। SIT करती क्या है? SIT का नतीजा क्या होता है? SIT जांच करके उसका क्या रिपोर्ट देती है? आज तक नहीं हुआ। SIT बनाते हैं वो। पिछले कोविड के फर्स्ट लहर में SIT बनी, SIT की क्या रिपोर्ट आई? SIT ने क्या जांच की? तो ये अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो जाहिर है ये आम आदमी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जिस तरह से बच्चों के लिए चिकित्सकीय उपकरणों में भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी मांग, इन लोगों की मांग है कि इसकी CBI जाँच हो और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। राजधानी लखनऊ से पंजाब केसरी TV के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।